अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब पहले की तरह बिल्कुल खैरियत होंगे। तो जब से मम्मा पापा लोग सवाद गए, हमारे तो यहाँ पर मजे ही खत्म नहीं हो रहे। शहरी में सबसे पहले हमने खाया चिकन चीज पराठा, उसके बाद फिर हमने इफ्तारी की भाई पिज्जा से, और हमें कल पता लगा कि मम्मा पापा लोग आ रहे हैं। और सरप्राइज ये है कि पापा की है 50th birthday, तो उस खुशी में यहाँ पर सज रहा है भाई हमारा घर। और सजा कौन रहा है, ये सजा लोगी अकेले अकेले? मैं अकेले नहीं करी, बाजी भी मेरे साथ। अच्छा, तो ये पापा को सरप्राइज देना चाहते हो तुम लोग ना? जी। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तो नहीं लग रहा ये? जब पूरा हो जाएगा फिर देख लेंगे। वो लाए, वो जो हैप्पी बर्थडे नाम लिखते हैं वो लाए हो सब? नहीं नहीं, हम कुछ भी नहीं लाए। बलून वगैरह हम बस ये लेकर आए। दिखाओ जरा क्या क्या लाई हो। ये लाइटें वगैरह हैं, हाँ ये सारे बलून हैं। दिखाओ बलून। ये सेल किस लिए लाई हो? सेल ये लाइटों में, हाँ इसमें लगेगा सेल। और पापा लोग आने वाले हैं इफ्तारी करने के फौरन बाद, ये हमें पता लगा है। अब ये कितना सच है ये नहीं पता। जाएगा पूरा, लेकिन इफ्तारी बाहर से आएगी। हाँ आज इफ्तारी भी घर में नहीं बन सकती क्योंकि यूसरा यहाँ पर मसरूफ है। आज हमारी इफ्तारी बाहर से हमें लानी पड़ेगी। ठीक है, हमने देखो सब कुछ करे जब से मम्मा पापा लोग सवाद गए। हम लोग बहुत मजे कर रहे हैं, खूब मजे कर रहे हैं माशाल्लाह। हमने घर में भी इफ्तारी की, हमने बाहर भी सहरी की। हमने बाहर से इफ्तारी नहीं की, बाहर से हम लोग सिर्फ बिरयानी और हलीम लाते थे, लेकिन आज सारा सामान जो है टोटली बाहर से आएगा। लेकिन कल मैंने पिज्जा बनाया, यहाँ से भी जला था, यहाँ भी जला था। ये तुम क्या कर रही हो? कल देखा तुम्हारा हाथ जला था, वो आज पता लग रहा है। ये देखो पूरा तुम्हारा हाथ कैसे जला था। पिज्जा बनाते बनाते तुमने अपना हाथ जला दिया। कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हें सीख मिल जाएगी इससे कि तुम्हें जब भी खाना बनाना है तो आपको ग्लव्स पहन के खाना बनाना है। ओके, तो बस जल्दी जल्दी सजाओ जब तक मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेता हूँ। नहीं, ये बलून्स फुला के दें जल्दी से। एडिट कौन करेगा, व्लॉग कौन डालेगा? पहले बलून्स फुलाएं उसके बाद व्लॉग डालें। चलो तीन चार बलून फुला लेते हैं, क्या हो गया? तीन चार की कोई बात नहीं है, पूरे बलून फुलवाएं उसके बाद जाएं। बहुत मजा आ रहा है। अच्छे बलून फुला लेते हैं, तो इसी के साथ आपका करते हैं इस व्लॉग में वेलकम। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस मैंने जल्दी जल्दी अपने 5 बलून फुला लिए, 1 2 3 4 5। अब तुम आराम से बिल्कुल सुकून के साथ अच्छा सजाओ। जब मेरी कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी इतनी जरूरत है कि आप जाके आराम से बैठ जाए ताकि हम आराम से काम कर सके। पापा की बर्थडे सरप्राइज करने का प्लान तो यूसरा, फरीहा और बाजी का था। बस मैं तो इनके साथ घूम रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ कैसे सजा रहे हैं ये लोग, कैसे नहीं सजा रहे। पापा खुश हो जाएंगे जब पापा एयरपोर्ट से आएंगे ना, एकदम पापा बोलेंगे अबे मेरी 50th birthday का सरप्राइज, वाओ तुम लोग तो बहुत अच्छे काम कर रहे हो। लेकिन खैर है, खुश हो जाएंगे पापा यार। अब मैं कर लेता हूँ जल्दी से अपने व्लॉग की एडिटिंग, ठीक है? मैं बाहर आई हूँ सामान लेने के लिए, हमारा सामान थोड़ा सा गलत आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या गलत लिया है तुम लोग? दिखाती हूँ, ये हम ब्लैक बलून लेकर आए थे, हाँ वो फुलाने के बाद पर्पल हो गए। वो दिखाओ। कल तुम लोगों ने वहाँ पर चेक नहीं किया था जहाँ शॉप पे तुम लोग देखने गए थे? ये पूरे ब्लैक है ना? देखो है तो ब्लैक ही, वैसे है तो ब्लैक ही। ये फुलाने के बाद पर्पल हो रहे हैं। अच्छा, तो बस तुम्हें अभी बलून लेने जाना है और क्या क्या लेने आना, जो भी सामान अगर और रह गया याद कर लो, जो रह गया वो ले आओ, क्योंकि बस मम्मा पापा लोग इफ्तारी के फौरन बाद आ जाएंगे, तो मैं इफ्तारी से पहले पहले सब कुछ सजाना। हाँ मैं लेकर आ रही हूँ, मैं आपको एक बात देता हूँ। नहीं, अभी ना मम्मा का फोन आया था। क्या बोल रही थी मम्मा? मम्मा पूछ रहे तुम लोग घर पे हो या कहीं जा रहे हो, तो मैंने उन्हें बोल दिया हम नानी के घर जा रहे हैं। रोजे में झूठ बोल दिया, मैं क्या करूँ, हमें तो सरप्राइज देना है ना। हाँ सरप्राइज तो देना, ये तो तुमने सही करा ना। फिर कुछ ना कुछ तो बोलना ही था, वरना तो हम बता थोड़ी सकते थे भाई हम घर पे ही हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। सब बस बेटा, बस जल्दी से जो भी लाना है तुम्हें फटाफट ले आओ, ठीक है? बाय बाय। One hour later. माशाल्लाह माशाल्लाह यूसरा, तुमने अकेले इतने सारे बलून फुला दिए, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। मैनेजर साहब तुम कहाँ भाग रहे हो, सलाम तो कर लो। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरे मैनेजर साहब, रोजा कैसा गुजर रहा है आपका आज? मस्त गुजर रहा है। और अभी ये एक बात बताओ, इधर आओ, आप ये चीज देख रहे हो, ये जो सजावट देख रहे हो, अब आप बोलोगे कि ये मुझे पहले से पता था? हाँ वो तो पता है सबको। चल झूठा, यही मैंने तुमसे पूछ लिया, मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे कि तुम्हें पता है। तो मैंने साहब अभी हमें लेने जाना है बाहर इफ्तारी का सामान, टाइम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा बचा है। मैं तो बोल रहा हूँ बगैर टाइम जाए किए हम चलते हैं जल्दी जल्दी फटाफट सारा सामान ले आते हैं, ठीक है? सर तुम अकेले लगा लोगी? नहीं, मैं जा रहा हूँ फिर इफ्तारी का सामान ला रहा हूँ। क्या लाऊं, समोसे ले आऊँ, रोल ले आऊँ, थोड़ी थोड़ी चीजें ले आऊंगा, जो जो आपको अच्छा लगे ले लेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। हाँ ओके ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम, इनको तो देखा ही नहीं था।
आज तो मम्मा पापा आ रहे हैं, अब तो कुछ हो जाओ, अब तो कुछ हो जाओ है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी पापा आएंगे ना, पापा को सरप्राइज देंगे हम, पापा और खुश हो जाएंगे, फिर साथ हम मिलकर केक कट करेंगे। 50 बर्थडे सरप्राइज हो भाई, मैं कैसे 50 बिट्टे? इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसमें यकीन की क्या बात है भाई, ये तो हो गई है थोड़ी सी अभी पागल। तो कैसे फटाफट चलते हैं, साड़ी का सामान लेना, चलो मैनेजर साहब आ जाओ। टक 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 टक। A few moments later. अंकल 5-6 चिलो, 5-6 कीमे के समोसे और 5-6 स्टिक कर दो चिकन। ठीक है, ये लो भाई आ गया यूसरा आज का हमारी इफ्तारी का सामान। ठीक है, अब जल्दी जल्दी फ्रूट चाट बनाओ, फिर इफ्तारी करने बैठते हैं। अमीन मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, ये जो ताला है ना तुम बाहर से लगा दो, हमें यहाँ पर बंद कर दो, आज हम ताला लगा के इफ्तारी करेंगे। हम लोग आज ठीक है, आज लोग हैं हम लोग भाई। क्यों? क्योंकि आज हम दे रहे हैं पापा को सरप्राइज, पापा की बर्थडे, पापा लोग आ जाएंगे इफ्तारी के फौरन ही बाद। और हमने पापा को बताऊं क्या बोला है, पापा लोगों को हमने बोला कि हम लोग नानी के गए में इफ्तारी करने। अच्छा हाँ, तुमने बताना नहीं है? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो बोल रहा हूँ मेरी नीचे गाड़ी से पापा पहचान जाएंगे। हाँ। तो मेरी गाड़ी कहीं थोड़ा सा आगे पीछे लगा दो ताकि पापा को शक ना हो। और जब पापा लोग आना तो उनको बोलना वो लोग तो है ही नहीं घर पे। बहुत मजा आ रहा है, नानी के यहाँ गए। बिल्कुल सीरियस एक्टिंग करनी है, अब तुम लगा दो ताला, ताला तो लगा दो। क्या क्या करना पड़ रहा है गुड्डो, क्या क्या करना पड़ रहा है बताओ। लगा दिया, लगाओ लगाओ बिल्कुल सुकून से, आवाज आनी चाहिए ताला लगाने की, टक करने की। लगाओ लगाओ ताला लगाओ, लग गया ताला, लग गया। थैंक यू थैंक यू। क्या ताला कुंडी वुंडी तो हमने लगा दी है भाई यूसरा, ये क्या क्या करना पड़ रहा है देखो। आपने बहुत जल्दी ताला और कुंडी लगवा दी। इफ्तारी में अभी सिर्फ 20 मिनट बचे, वो तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। बाथरूम जल्दी हो, ये लगाओ तो मेरे साथ। नहीं अरे वो तुम खुद लगाओ, ये देखे भाई कितना खूबसूरत सजा है यार। हैप्पी 50 पापा, हैप्पी 50 पापा, ये क्या है? मैंने गोल्डन लाइट्स ली थी। तो ये कौन सी आ गई है? अरे गलत लाइट आ गई है। चलो कोई मसला नहीं, इतना घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, अच्छा लग रहा है यार। अब तो आ गया ना, अब तो ताला लग गया है बाहर, अब हम कहीं भी नहीं जा सकते। बस ये आ गई तो आ गई, अब तो ताला लग गया है। बस थोड़ी देर में करते हैं भाई इफ्तारी। लाइटें क्यों बंद कर दी तुमने? देख रही थी कैसे लग रहे यार। भाई अच्छा तो लग रहा है, ये देखो थी। तो अब आ गई ना यूसरा, ये क्या करें क्या कर सकते हैं, अब तो आ गई है, बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ताला लगा दिया है। बढ़िया जल्दी जल्दी प्लेटें लगाओ इफ्तारी में, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर करते हैं सुकून के साथ इफ्तारी। ठीक है ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी इफ्तारी की टेबल बिल्कुल सज चुकी है, अजानों का टाइम हो गया है, बस थोड़ी देर में अजान होने वाली है, सब रोजा खोलने की तैयारी में बैठे हैं। खोलो खोलो रोजा खोलो, अजानों का अजानों का। सुकून के साथ आज की इफ्तारी करते हैं, नहीं सुकून के साथ नहीं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्योंकि पापा लोग के आने का भी टाइम हो रहा है, तो फटाफट से करते हैं इफ्तारी, उसके बाद देन मिलते हैं। A few moments later. ओए आ गए आ गए आ गए, पापा लोग आ गए, पापा लोग आ गए, याद हो जाओ मेरे साहब, सरप्राइज देना सरप्राइज देना है। काहे 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 काहे, चुपके से तो देखने दो। लाइट बंद लाइट बंद लाइट। अरे नहीं देख रहे नहीं देख रहे नहीं देख रहे नहीं देख रहे नहीं फिर भी नहीं। वो रे पापा लोग, बस 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 बढ़िया, अब बाहर चले जाते हैं वापस से। दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं, आजा आजा, चलो 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 आजा, उधर ही खड़े होते हैं दरवाजे के पास। कैसा हो रहा है कंडीशन? अबे कौन सी कंडीशन हो रही है ये? मतलब एक्साइटेड वाली कंडीशन हो रही है। अच्छा वाह भाई वाह वाह भाई वाह। तो भाई मैं तो दरवाजे के पास जाके खड़े हो जाता हूँ, हम लोग लकड़ी के पास खड़े हो जाएंगे। नहीं हमें बैठना है। अच्छा उधर वो खुद खुद। अच्छा अच्छा खुद खुद जाएंगे, चलो चलो चलो, हम लोग इधर ही बैठे रहेंगे फिर, ये इधर ही बैठे रहेंगे हम लोग। अबे इधर नहीं इधर। फिर किधर? अबे भाई एक तो इसका समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कभी इधर बिठा दिए कभी उधर बिठा दिए, इधर सही है सही है डन। अब आपको थोड़ा आहिस्ता बोलना है वरना पापा अम्मा सुन लेंगे। ओके ओके, तुम लोग इधर बैठो, मैं दरवाजे के पीछे खड़ा हूँ, एकदम जब बोल रहेंगे ना तो मैं वीडियो खोल दूंगा। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, बताता हमने गाड़ी देख ली अस्सलाम वालेकुम भाई जान काले, राइस प्लान करके बैठे हो, ताला लगाए बात हमने बाहर चला के, तुम लोग को पता ही ना लगे क्या ट्रिक किया भाई। कितना अच्छा सजा है भाई, बहुत अच्छा है जाके सरप्राइज, बाकी में बड़ा अच्छा दिया है हम लोगों ने, मैं तो तीनों गाड़ियां थी लेकिन फिर भी आपको पता तो नहीं लगा ना कि हम घर में हैं या नहीं। मैं समझ गया घर पर हो गया। अच्छा चले आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए
चलो भाई आप जल्दी से केक कट कर लेते हैं। हैप्पी 50 पापा। छुरी लाओ, यूसरा छुरी लाओ, छुरी लाओ। 50 साल का हो गया मैं। हाँ हाँ 50। चलो अंधेरे में रोता ही है। आ जाओ मम्मा अभी आ जाओ बैठ जाओ। नहीं पापा को बासिल छोटा छोटा बासिल फड़िया रुला दिया ना इसको तुमने। अच्छा भाई आ जाओ अच्छा मुझे बताता। कट करें पापा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, happy birthday to you. तालियां बजाओ तेज। गुड वेरी गुड। आहा फूंक मैं मारता हूँ। ओ बुझ गए। ठीक है पापा अब आपको अपने हाथ से केक खिला देते हैं। ये लो पापा छुरी से खा लें। बस चम्मच ही बन गया ये। मजा आया भाई, मजा आया, बहुत मजा आया, हमें तो बहुत मजा आया। अंधेरा हम लोगों ने किया हुआ था। अच्छा। मजा आया भाई, बहुत मजा आया, सरप्राइज बाकी में सरप्राइज बना। तो गाइस व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड और पापा की 50 बर्थडे पे आज सरप्राइज देने में बहुत ही मजा आया और ये सब सरप्राइज प्लान किया है युसरा ने। सो थैंक यू युसरा, मजा आया। मुझे थैंक यू नहीं बोले, दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। वो चलो नहीं बोलते भाई। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल लेके दुआ में देखिएगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें भाई। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।